हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम भरी जवानी में ही होने वाली एक ऐसी गंभीर समस्या के बारे में बात करेंगे जो आगे चलकर हमें डिसेबल कर देती है। वो समस्या कौन सी है? वो समस्या है दर्द की प्रॉब्लम। आजकल जवानी में ही जिसको देखो उसको ही कमर में दर्द रहने लग गया है, पैरों में दर्द रहने लग गया है और तो और घुटनों में दर्द रहने लग गया है। घुटनों में दर्द तो बड़ी उम्र में ही हुआ करता था, लेकिन अब तो ये 35 से 40 की उम्र में ही होने लग गया है। और बड़ी उम्र के लोगों में तो लगभग हर किसी को सुनने में यही आता है कि घुटने बदलवा लिए हैं, जबकि ज्यादातर केसेस में घुटने बदलवाने की जरूरत ही नहीं होती। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन सब प्रॉब्लम्स का नामो निशान मिटाने के लिए केवल एक ही चीज काफी है। अब जो कमर का या घुटने का या पैरों का दर्द जवानी में ही होने लग गया है, वो उम्र बढ़ने के साथ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एलोपैथी में इसकी कोई दवा तो है नहीं। और दूसरी बात, खान पान और लाइफस्टाइल भी सही नहीं है, तो फिर ये कैसे सही होगा? आप ही सोचिए। फीमेल्स में तो ये कमर दर्द की प्रॉब्लम मेल्स की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब हड्डियों की बनावट और अलाइनमेंट, पुरुषों से थोड़ा अलग होता है। इससे उनके कमर, घुटनों और पैरों पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है और वो दर्द करते रहते हैं। जिंदगी दर्द में ही बीत जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन लोगों को पैरों में तो दर्द इतना ज्यादा होता है कि रात को नींद भी नहीं आती, रात भर पैर कुलाते रहते हैं, चैन नहीं पड़ता, तो फिर उससे उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। फिर चाहे बात महिलाओं की हो या पुरुषों की हो, नींद पूरी नहीं होने से 25 बीमारियां और लग जाती है। इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है, फेस की भी सारी ब्यूटी खत्म हो जाती है, हमेशा बीमार बीमार दिखने लगते हैं, थकान बनी रहती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी आने लगते हैं। और इस दर्द में भी काम तो करना ही पड़ता है, पर आज जो उपाय मैं बताऊंगी वो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि कई बार कमर दर्द के साथ साथ पैरों में कमजोरी आ जाती है और पैरों में सूनापन रहने लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, एक के ऊपर एक नस चढ़ जाती है। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी के कारण या फिर लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से या फिर खड़े रहने की वजह से कमर में, टांगों में, पिंडलियों में भयंकर दर्द होने लगता है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो यही बोलेंगे कि बेड रेस्ट करिए, लेकिन बेड रेस्ट से भी कुछ नहीं होता, दर्द बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, इस दर्द को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर लकवे जैसी किसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है, लेकिन इसका इलाज पॉसिबल है। दोस्तों, अगर आपकी भी कमर में, घुटनों में, पिंडलियों में दर्द रहता है और आप बहुत परेशान हैं, या घर में कोई ऐसा सदस्य हो जो इस तरह की दिक्कतों को फेस कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए और उन्हें इस रेमेडी के बारे में जरूर बताइए। आप इसे करके देखना, आपकी बॉडी के हर तरह के दर्द का नामो निशान मिट जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं जो भी कुछ बताने वाली हूँ वो हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है। वो लोग हमेशा से इसको यूज करके बिना ऑपरेशन के अपनी जिंदगी मजे से जीते आए हैं, लेकिन आज के जमाने में हम सब इसे भूल गए हैं और तकलीफ पा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और पूरा तरीका जान लीजिए ताकि कोई कमी ना रहे। तो चलिए पहला नुस्खा देख लेते हैं जो बाहर से आपकी प्रॉब्लम ठीक करेगा, और उसके बाद दूसरा नुस्खा देखेंगे जो अंदर से आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो पहला नुस्खा कैसे तैयार करना है, इसके लिए आपको चाहिए सरसों का खल। ये जो सरसों का खल है, ये आपको बहुत ही आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक औषधि की दुकान पर या पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन मंगवा लें। सरसों का जो तेल होता है वो इसी खल से निकालते हैं। तो आपको ये सरसों का खल कितना लेना है? आपको ये 100 ग्राम लेना है। तो ये 100 ग्राम सरसों का खल हो गया। और क्या लेना है? और लेना है हल्दी का पाउडर। कितना लेना है? 20 ग्राम लेना है। हल्दी पाउडर जो हम रसोई में सब्जी बनाते टाइम काम में लेते हैं, वो ही लेना है। कोई आमी हल्दी या पहाड़ी हल्दी वगैरह नहीं लेना है, सिंपल वाली हल्दी लेनी है, 20 ग्राम मात्रा में लेनी है। तो हल्दी पाउडर 20 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्या लेना है? नेक्स्ट चीज हमको लेनी है सरसों का तेल 20 ग्राम। 20 ग्राम का मतलब हो गया लगभग खाना खाने वाली जो चम्मच होती है वो 4 से 5 चम्मच भरकर ले लेनी है। अब पूरे अच्छे से समझ लीजिए कि करना क्या है। आपको ये 100 ग्राम सरसों की खल रात को पानी में भिगो देनी है। पानी थोड़ा ज्यादा लें क्योंकि ये फूलेगी। सुबह जब देखेंगे ना तो सरसों की ये खल फूल कर डबल हो जाएगी, तो सुबह उसे पानी में से निकाल लें। अब आपको एक लोहे की कढ़ाई ले लेनी है और उसमें जो 20 ग्राम सरसों का तेल है वो डाल लेना है। तेल गर्म होने लग जाए तब आपको उस गर्म तेल में 20 ग्राम हल्दी पाउडर और फूली हुई सरसों की खल डाल लेनी है। इनको आपको लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेना है। जब इसका गाढ़ा पेस्ट बन जाए तो गैस बंद कर दें, तो ये रेमेडी तैयार हो जाएगी। अब इसको यूज कैसे करना है? इसको यूज करने के दो तरीके हैं दोस्तों।
एक तरीका तो ये है कि इससे आप सिकाई कर सकते हैं। सिकाई करने के लिए आपको इस पेस्ट को एक कपड़े में भरकर पोटली बना लेनी है और पोटली से सिकाई करनी है। जितना गर्म सहन कर सके उतना ही गर्म रखें और सिकाई करें। आपको अगर किसी भी जगह पर सूजन आ गई हो, किसी ज्वाइंट में, हाथ पैरों में, कंधों में, कमर में, कहीं भी दर्द हो रहा हो तो उस जगह पर इससे आप सिकाई करें। ये सारे दर्द को खत्म करेगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, कोई चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, पैरों में, पिंडलियों में दर्द हो रहा हो तो उस जगह पर इस पेस्ट को लेप की तरह लगा लें। हल्का गर्म लगा सकते हैं। लेप लगाकर फिर रुई लगाकर पट्टी बांध दें। 3 से 4 घंटे तक आपको इसे लगे रहने देना है। दूसरे दिन जो बचा हुआ पेस्ट है उसको फिर से थोड़ा गर्म करके लगा लें। इस तरह इसका यूज कर लेंगे तो ये सारे दर्द 1 हफ्ते के अंदर अंदर खत्म कर देगा। लेकिन ये दर्द वापस नहीं हो, जोड़ हड्डियां मसल्स कमजोर नहीं पड़े, इसके लिए इस पहले उपाय के साथ साथ एक दूसरा उपाय भी करना चाहिए जो मैं अब बता रही हूँ। अब देखना आपको जिंदगी में कभी भी कोई दर्द नहीं होगा। तो क्या है वो दूसरा उपाय? इसके लिए आपको यहाँ पर पहली चीज जो लेनी है वो है एक सूखा हुआ अंजीर, जिसको ड्राई फिक के नाम से भी जानते हैं। ये किराना की सारी दुकानों पर बहुत आसानी से मिल जाता है। इस सूखे अंजीर में फाइबर खूब होता है जो हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत कर देता है। कब्ज, गैस, पेट की सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। और मिनरल्स का तो ये खजाना है। अंजीर में मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स खूब होते हैं जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने में और स्किन के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इतना ही नहीं, ये बॉडी से टॉक्सिन्स भी बाहर निकालता है। तो एक सूखा हुआ अंजीर आपको लेना है। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है सूखे हुए आलू बुखारे। जैसे खजूर वगैरह को सुखा लेते हैं वैसे ही आलू बुखारे भी सुखाए जाते हैं। ये ड्राई प्लम के नाम से भी आपको बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। कितने लेने हैं? 5 सूखे आलू बुखारे लेने हैं। ये हड्डियों को गजब की मजबूती देता है और हड्डियों को खोखला नहीं होने देता। ये भी फाइबर से भरपूर होता है, इसलिए ये भी कब्ज, अपच वगैरह से छुटकारा दिलाता है और डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है। तो 5 सूखे आलू बुखारे लेंगे। और क्या लेंगे? और हम लेंगे एक सूखी हुई खुमानी, यानी कि ड्राई एप्रिकॉट। ये बहुत ही पौष्टिक होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होती है। मॉडर्न साइंस भी इसको प्रूव कर चुकी है कि खुमानी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द ठीक करने में और हड्डियों के जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट होते हैं उसे बनाए रखने के लिए मदद करता है। खुमानी में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं दोस्तों, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो एक सूखी हुई खुमानी भी हम ले लेंगे। अब इनको यूज कब और कैसे करना है पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि एक सूखा अंजीर, 5 सूखे आलू बुखारे और 1 सूखी खुमानी, इन तीनों चीजों को एक साथ सीधे चबा चबा कर खाना है। मतलब जैसे कोई भी ड्राई फ्रूट या कोई भी फल फ्रूट खाते हैं वैसे ही खा लेना है। कब खाना है? रात को सोने के आधा घंटा पहले खाना है। कितनी बार खाना है? रोजाना दिन में 1 बार ही खाना है। तो आपने देखा कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। केवल 2 महीने तक आप रात को सोने से आधा घंटा पहले इसे चबा चबा कर खा लें। ऊपर से थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे आपके टांगों में दर्द, पिंडलियों में दर्द जो होता है वो, और इसके साथ शरीर में कहीं भी दर्द हो, सारा का सारा दर्द एकदम नेचुरल तरीके से खत्म हो जाएगा। आप करके देखना। और क्या होगा? इसके साथ आपके शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। ये बॉडी में गजब की ताकत और स्टैमिना बनाए रखेगा। इसे खाने से फायदा ही फायदा मिलेगा। आप जरूर इसे ट्राई करना। इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इसका सेवन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका इतना जबरदस्त फायदा होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप इसे गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। गर्मी में इसे लेने के लिए इन चीजों को थोड़ी देर पानी में भिगोकर ले सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको ये दोनों ही घरेलू इलाज एक साथ फॉलो करने हैं। आप देखना, कुछ ही दिनों में आपका दर्द खत्म हो जाएगा और ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।